नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हम आए हुए हैं फन विले में डॉक्टर जोगिंदर टाइगर के पास। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत तो आपका है जी, आप मेरे को मिलने आए हैं। यू आर मोस्ट वेलकम, थैंक यू, वेलकम टू यू। डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे चेहरे पर झुर्रियों की। तो ये चेहरे पर झुर्रियाँ क्यों होती हैं? हाँ, ये बात आपने ठीक करी है। दरअसल आजकल का जो जीवन है, एक तो ये बहुत दौड़ भाग का जीवन है, ठीक है। इसमें टेंशन रहती है, एक तो इंसान को एक कारण तो टेंशन है जी। दूसरा खान पकवान जीवन का ठीक नहीं है। हम फास्ट फूड खाते हैं जो पौष्टिक सही नहीं होता जी। और वो खाना खाते हैं जो हमारे शरीर को सही माप नहीं होता, क्योंकि शरीर के हाजमे के लिए एक सही ऋतु में खाना खाना जी। ऋतु का खाना खाना और वहाँ का लोकल खाना खाना, ये आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस को, आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को बिल्ड करता है जी। जब हम लोग वहाँ का लोकल खाना नहीं खाते और सही खाना नहीं खाते और वक्त पर खाना नहीं खाते, तो हमारे शरीर में हमारा हाजमा दस्तारव होता रहता है। दस्तारव होने की वजह से हमारी जो रंजक अग्नि डिस्टर्ब होती है, रंजक अग्नि जो है हमारे स्किन का ग्लो बनाती है जी। जो स्किन का ग्लो है वो ही चेहरे का ग्लो है। चेहरे के ग्लो पे को जब रंजक अग्नि कम होती है तो चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ने लग जाती है। उसके बारे में अलग अलग धारणाएं साइंस ने बनाई हुई है, जबकि ऐसी धारणाएं कुछ नहीं। आदमी कुछ भी खा ले, उसकी रंजक अग्नि का सर्कुलेशन स्किन में सही रहता हो तो जो उसका नेचुरल स्किन का रंग होगा, जो कुदरती उसका चमड़ी का रंग होगा, वही आएगा। चेहरे पे झुर्रियों का कारण सबसे ज़्यादा उसके स्टोमिक में और छोटी आंत में रंजक अग्नि का कम हो जाना है। दूसरा किडनी में हीट का कम हो जाना है, दो बड़े कारण हैं। तीसरा जो ऊपर से नज़र आता है, कई बार हम सफ़र करते हैं, कई बार हम धूप में जाते हैं, सन बर्निंग की वजह से हो जाता है या किसी हवा की वजह से हो जाता है, जब मौसम में तब्दीली आने की वजह से हो जाता है, ये झुर्रियाँ दरअसल टेम्परेरी तौर पे होती है, आरजी तौर पे होती है। जो परमानेंट झुर्रियाँ होती है वो बॉडी में एक रंजक अग्नि, दूसरा किडनी की अग्नि जब डिस्टर्ब होती है तो झुर्रियाँ होती है। डॉक्टर साहब, इससे बचने का क्या घरेलू उपाय है? देखिए, मैं हमेशा ही कहता आ रहा हूँ, जो महसूस करता हूँ मैं अपने 30-35 साल अपनी प्रैक्टिस से, अपनी इस कामकार से और जो पेशेंट्स को डील करता हूँ, आप भी महसूस करता हूँ। इसके लिए ये है कि सबसे पहले अपना हाजमा ठीक रखें। अगर आपका खाया हुआ जो भोजन है वो शरीर में ठीक हाजम होता है और आपको पखाना सही आता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, गैस नहीं बनती, एसिडिटी नहीं बनती, झुर्रियाँ पड़ती ही नहीं। वो इतनी मैं मेडिकल साइंस को स्टडी किया है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, ये कहानी है सारी, मगर सारा जीवन ही आपका खाना और पखाना, पखाना क्या होता है, खाने का हाजम होकर उसका बाहर निकल जाना, अगर वो सही मकदार में आ रहा है तो खाना ठीक हाजम हो रहा है, चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं बनती। जब टेम्परेरी तौर पे जो झुर्रियाँ कभी बन जाती है, जैसे कोई माता है वो प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट माओं के अक्सर झुर्रियाँ पड़ जाती है, उसका रीजन ये होता है कि उसके शिशु के लिए जो खुराक की कभी बड़ी उसको भी जरूरत होती है, माँ को भी खुराक की जरूरत है, उसमें कई कमी आ जाती है। दूसरा, चेहरे के झुर्रियों के कारण दो तीन और भी हैं। कई बार औरतों में एस्ट्रोजन जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से औरतों को चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती है। और तीसरा कारण ये होता है, कई बार औरतों को वाइट डिस्चार्ज होता रहता है, वो सफ़ेद पानी पड़ता रहता है, उसकी वजह से चेहरे पे झुर्रियाँ भी आती है और स्पेशली आँखों के इर्द गिर्द ब्लैक स्कार बन जाते हैं, वो उसका बड़ा कारण है। और इसका मोटा ये झुर्रियाँ उन औरतों में ज़्यादा होती है जिनको यूरिनरी बर्निंग की और बाई डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो और गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, ये मेन बड़े कारण हैं जो झुर्रियों के हैं। और तो डॉक्टर साहब, इसका कोई घरेलू उपाय है, कोई फेस पैक वगैरह? नहीं, घरेलू इलाज के साथ साथ अभी थोड़ी बात हम विस्तार में और भी करेंगे जी। तो सबसे पहले तो ये है कि अपना एक्सरसाइज करना, सैर करना,
टाइम पे खाना खाना, खाना वो खाना जो शरीर में सही हजम हो जाए। फास्ट फूड का ना खाना, जितने हम फास्ट फूड खाएंगे या कोल्ड ड्रिंक खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक में जैसे कोक है, लिम्का है, फेंटा है, ये सारे एसिडिक हैं और ये आरजी खुराक हैं और ऊर्जा नहीं है, वो बॉडी में जो सही खुराक की जरूरत होती है इनमें नहीं होती, ठीक है, उसकी वजह से भी जरूरी पड़ती है। ठीक है, खाना सही खाना चाहिए। बाकी जो घरेलू उपचार हैं, घरेलू उपचार इसके लिए बहुत हैं। जैसे देखिए, पैक की बात करते हो पहले, अगर पैक की हम जब बात करेंगे, पैक के लिए ऐसा है कि दही में, दही होता है ना, उतनी मकदार में आप शहद डाल लें, शहद डाल के दही और शहद को दो तीन चम्मच दही के, दो तीन चम्मच शहद के डाल के चेहरे पे लगाएं, अच्छी तरह उनको फैट करके, उसको 20-25 मिनट लगा कर रखें, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता कोजी वाटर से उसको मालिश करके धोते रहिए, तो वो जो ऊपर वाली लेयर है वो ऐसा ऐसा साफ भी होती है, चेहरे पे ग्लो भी आता है। उसके आगे हमारे पास अकेला फेस के लिए नहीं, स्किन का कोई भी रोग हो, वैसे तो जब आप लोगों को पढ़ेंगे वो कहते हैं कि अगर झुर्रियाँ पड़ जाए, आलू नहीं खाना चाहिए, शक्करकंदी नहीं खानी चाहिए, इसमें स्टार्च होता है, ये होता है, जबकि आलू खाने से और लगाने से चेहरे की झुर्रियाँ साफ होती है, चेहरे की झुर्रियाँ नहीं बढ़ती। स्किन पे, अकेले चेहरे पे नहीं, स्किन पे कहीं भी आपके कॉल्स हो जाए और कोई एलर्जी हो जाए और स्किन पे स्कार पड़ जाए, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाएँ, आलू लगाने से तकरीबन झुर्रियाँ ठीक हो जाती है। आलू को इस्तेमाल कैसे किया जाता है, आलू को ले लें, उसके छोटे छोटे स्लाइस काट लें, गोल गोल स्लाइस, स्लाइस को काट कर दूसरी तरफ आप क्या करें, कोई थोड़ा सा हल्का सा वो गुलाब जल लें, उसमें 2-3 ड्रॉप नींबू के जूस के डाल लें, उसमें डालकर उसको आहिस्ता 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 चेहरे पे घुमाते रहें। उसके बाद 5-7 मिनट ऐसा करने के बाद फिर थोड़ी सी मलाई लें, उसमें गुलाब जल डालें, मलाई और गुलाब जल से उसको रगड़ कर आहिस्ता 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 उसको साफ करें, फिर उसको गर्म पानी से धो दें, और ऐसा 5-6 बार करने से 5-6 दिन में झुर्रियाँ साफ हो जाती है। उसके बाद आगे है टमाटर है, टमाटर का जो गुद्दा होता है चाहे उसको निकाल लें या टमाटर को थोड़ा सा काट कर टमाटर को ही ऐसे ऐसे आहिस्ता 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 स्लोली उसको रब करते रहें चेहरे पे, चेहरे पे रब करने से एक तो चेहरे का मॉइस्चर जो स्किन का कम होता है वो पूरा हो जाता है, दूसरे झुर्रियाँ भी साफ होती रहती है। उसके आगे बेसन है, बेसन में आप थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लें, कच्चा दूध डालकर बेसन को थोड़ा सा लगाएं चेहरे पे, एकदम उसका वो एक क्रीम जैसी बन जाएगी, फिर उसको थोड़ा हल्का सा सूखने दें, फिर उसको ऐसा ऐसा रगड़कर उसकी जो बत्तियां जैसी बन जाती है उनको उतारेंगे, उनसे जुड़ने वाली स्किन सारी उतर जाती है, फिर उसको कोसे पानी से, कोजी वाटर से उसको धो लें, चेहरा साफ हो जाता है। उसके बाद कच्चा दूध है, कच्चा दूध को का जो जब कच्चा दूध होता है उसको ऊपर से उतार लें, ऊपर से उतार के उसको किसी रुई के फंबे से चेहरे पे ऐसा ऐसा लगाएं और झुर्रियों पे 2-3 बार लगा लें, उसको कुछ देर के लिए छोड़ दें, वो तकरीबन 20-25 मिनट में वो जो कच्चा दूध है वो ड्राई हो जाता है चेहरे पे, फिर उसको अपने हाथों से ऐसे रगड़ कर उसको मलकर उतार दें, जो छाइये वाली जगह होती है वो भी साफ हो जाती है, चेहरे पे ग्लो भी आ जाता है। उसके बाद उसको कोजी वाटर से धो लें। उसके बाद खाने में आप कोशिश करें सिट्रिक एसिड को यूज़ करने की, जैसे नींबू है, संतरा है, माल्टा है, मौसमी है, और साथ में अनार है, ये फ्रूट यूज़ करें, ठीक है, और अमरूद खाने से चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ती ही नहीं अगर अमरूद यूज़ करते हैं, और स्पेशली केला खाने से चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं पड़ती, और आउटर लेयर की जो पानी होता है उसमें स्किन में ऊपरली सतह में जो पानी होता है वो ड्राई हो जाता है, इसलिए झुर्रियाँ पड़ती है, जो टेम्परेरी तौर पर पड़ती है, केला खाने से वो पानी ख़त्म नहीं होता, ठीक रहता है, और केला खाएं और साथ में केले को छीलकर जो उसके छिलड़ के अंदर की लेयर होती है, अंदर वाली लेयर, उसको उतार लें, उसको चेहरे पे ऐसे ऐसे रब करें, अगर वो लेयर को नहीं उतारना तो केले को छीलकर जो उसका छिलका होता है, छिलके की अंदरली लेयर को
आहिस्ता 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 हमेशा जब भी केला खाना है, झुर्रियों के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है कि केले के जो छिलके के अंदर वाली लेयर है उसको चेहरे पे आहिस्ता आहिस्ता रब करते रहें, और रब करने के बाद उसको 15-20 मिनट छोड़ दें, फिर उसको वाश करके उतारें। वो चेहरे की झुर्रियों के साथ साथ वो स्किन भी जो काले रंग की हुई होती है वो भी ठीक हो। ऐसे बहुत ही मतलब नुस्खे हैं, घरेलू नुस्खे भी हैं, ये घरेलू नुस्खे के साथ साथ इलाज भी है जो हम बाज़ार से। अच्छा, उसके बाद एलोवेरा जिसे कहते हैं, घी कुमार कहते हैं, उसमें एलोवेरा लेकर उसकी जेल को आप सीधे भी लगा सकते हैं, उसमें थोड़ा नींबू डालकर भी लगा सकते हैं, उसके बाद उसको जो होता है हमारे अनार, अनार का जूस डालकर उसको भी लगा सकते हैं, उसके बाद अमरूद होता है उसके पत्तों का जूस निकालकर एलोवेरा जेल में डालकर वो भी लगा सकते हैं। मतलब एलोवेरा जेल को जिस भी ढंग से लगाएंगे, क्योंकि जितनी भी क्रीम बनती है दुनिया में सबसे बढ़िया क्रीम का जो सही बेस होता है, जो क्रीम का सही आधार होता है, वो घी कुमार जिसे बोलते हैं, एलोवेरा बोलते हैं, एलोवेरा जेल से ही सभी क्रीमों का बेस होता है। चेहरे के जितने क्रीमें हैं चेहरे को ठीक करने वाली, जिसमें एलोवेरा जेल नहीं है वो क्रीम सही नहीं है। वैसे बाज़ार में बेसिकली जितनी क्रीमें बिकती है उसमें से चेहरे की स्किन को लगभग मेकअप तो करती है क्रीमें, मगर उसमें से 5-7% क्रीमें हैं जो चेहरे को ठीक करती है। अगर उसके बाद हम क्रीमों को लगातार यूज़ नहीं करते, छोड़ देते हैं, तो चेहरा ख़राब करती है, ठीक नहीं करती। इसलिए चेहरे को ठीक रखने के लिए, झुर्रियों को ठीक रखने के लिए हमारे घरेलू नुस्खे ही सही हैं जो लाखों सालों के एक्सपीरियंस से हमारी दादी नानी परदादियों ने बनाए हैं। उसके लिए हम थोड़ा ध्यान नहीं करते, क्योंकि हमारी एजुकेशन जो है, जो हमारी मैगजीन है, जो मीडिया है, ये एडवर्टाइजमेंट में सारा कमर्शियल काम ही करते हैं, बेसिकली हेल्थ के लिए काम नहीं करते। हेल्थ को ठीक करने के लिए तो घरेलू नुस्खे नहीं, हमारे घरों में ही हमारी दुकानें, हमारी ड्रग स्टोर है, हमारी किचन भी हमारा ड्रग स्टोर है, किचन में ही सारी दवाइयाँ पड़ी है जिससे हम अपना चेहरा भी, हमारा स्टोमिक भी, हमारी बॉडी को भी सारी को ठीक कर सकते हैं। और उसके बाद जो मैं कह रहा था कि हमारी जो रंजक अग्नि है और किडनी की अग्नि है, वो डिस्टर्ब होने से चेहरे की झुर्रियाँ ज़्यादा बनती है। उनको परमानेंट ठीक रखने के लिए दवाई से तो टेम्परेरी तौर पे ठीक होती है, अगर परमानेंट ठीक करना है मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ जिससे किसी भी औरत के, किसी भी मर्द के चेहरे पे अगर झुर्रियाँ कभी नहीं रहेगी, छाइयाँ भी नहीं रहेगी, और उसके चेहरे पर हमेशा ग्लो रहेगा। आप क्या करें, सौंठ है जी। उसके बाद सौंठ है और मिठिए सरिंजे हैं, अश्वगंधा नगौरी है, ठीक है, कमरकस है जी। फिर बता रहा हूँ, सौंठ है, अश्वगंधा नगौरी है, मिठिए सरंजे हैं, कमरकस है, इनको एक मात्रा में, एक जैसे वजन में ले लें, एक जैसे वजन में लेकर इसमें एक हिस्सा, मतलब पांचवा हिस्सा, मतलब उतने वजन के बराबर ही, वो चीनी नहीं, चीनी नहीं लानी इसमें जी। और डुप्लीकेट मिश्री नहीं लानी, देसी खांड जिसे बोलते हैं जी। उनको उनको रगड़ लें अच्छी तरह, देसी खांड ला लें, इसका एक चम्मच टीस्पून सुबह एक शाम अगर लेते हैं, आपकी कभी भी ना तो रंजक अग्नि खराब होती है, ना किडनी की अग्नि खराब होती है। किडनी की अग्नि से अकेली चूड़ी नहीं पड़ती, हमारे लंबर पेन भी होती है, साइड का पेन भी होती है। अगर इस फार्मूले को लेते हैं तो साइड का पेन भी कभी नहीं होती, साथ में यूरिक एसिड भी नहीं बढ़ता, जोड़ों में पेन भी नहीं होती, और आगे ये जब झुर्रियाँ पड़ती है, झुर्रियों वालों के साथ साथ ने आपने देखा होगा जिनके छाइयाँ पड़ती हैं उनको जॉइंट पेन भी शुरू हो जाती है। ये जॉइंट पेन को भी आगे बढ़ने नहीं देती, झुर्रियों को और छाइयों को भी तो ख़त्म करती है, साथ में जॉइंट पेन को भी करती है। और खूबसूरत बात ये भी है कि उसी अग्नि के कम होने से ही बाल झड़ते हैं औरतों के, और जब वो लेते हैं तो किडनी, क्योंकि किडनी जो है हमारी वही बोन बनाती है, वही हमारे हेयर बनाती है, इसलिए जब किडनी की हीट कम होगी हेयर फॉल भी तब भी होगी, बाल भी तब टूटेंगे और बाल सफ़ेद भी जल्दी तभी आएंगे। अगर वो उसको लेते हैं तो बाल भी नहीं टूटते, बाल सफ़ेद भी नहीं होते और गिरते भी नहीं, बाल चमकदार भी रहते हैं, चेहरा भी चमकदार रहता है। कितना सिंपल फार्मूला है ये दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा आजमाया हुआ है, कम से कम मैंने 20-25 हज़ार पेशेंट पे इसको देखा है और सभी का रिजल्ट 100% आता है, 99 नहीं 100% आता है।
अब क्योंकि हम लोग थोड़ा मैगजीनों से, टीवी से, कमर्शियल एड से इतना इम्प्रेस होते हैं उसकी तरफ, टीवी को देखकर सारी हम मार्केट में भागते हैं क्योंकि पैसे की परमार है, बुद्धि कम हो गई है, इसलिए हम चाहते हैं जब मार्केट में कोई कोई हेमा मालिनी जैसी कोई एक्टर जब आकर बेचती है तो हम सोचते हैं कि चेहरा तो हेमा मालिनी का वैसे ही सोना है, वो क्रीम ने थोड़ा सोना किया है, ठीक नहीं। इसलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम घरेलू नुस्खों से अपने आप को बहुत अच्छे नुस्खे घरों में हैं, और ये नुस्खा तो बहुत ही कारगर है जो मैंने हज़ारों पेशेंटों पे जमाया है। उनके बाल भी नहीं झड़ते, उसके बाद बाल सफ़ेद होने भी रुक जाते हैं, साइड का पेन भी रुक जाती है, आगे अगर यूरिक एसिड बढ़ना हो वो भी नहीं होता, यूरिक एसिड हो वो भी कम हो जाता है, जॉइंट पेन अगर होनी हो वो भी रुक जाती है। उसके बाद कि जितनी हमें स्किन की प्रॉब्लम आती है वो हमें क्या किससे, रंजक अग्नि जब कम होती है, कम होने से हमारा बॉडी में अम्ल बढ़ जाता है, अम्ल बढ़ने से क्या होता है, अम्ल बढ़ने से क्या होता है तो सारी स्किन खराब होती है, स्किन की बीमारी होती है, स्किन सरोसिस होती है, अकेली जुड़ी ही नहीं वो स्किन की सरोसिस भी आगे रुक जाती है, क्योंकि बॉडी में जब हीट पूरी होगी, खाना सही हजम हो गया, सही होने से हमारा क्या होगा, प्लाज्मा सही हो जाएगा, ब्लड सही हो जाएगा, वाइट ब्लड सेल सही हो जाएंगे, प्लेटलेट सही हो जाएंगे, जब बॉडी का फंक्शन ठीक हो जाएगा तो जुड़ी तो क्या, कुछ भी नहीं बॉडी को ख़राब होगा। इसलिए ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम नुस्खे कहकर टालते हैं, ये मेन ही बातें हैं जिनका हमें ध्यान करना। जी डॉक्टर साहब, आपने हमें चेहरे की झुर्रियों के बारे में बताया, बाल झड़ने के बारे में भी थोड़ा बहुत कुछ बताया, लेकिन क्या इसके अंदर हमें कोई दवाइयाँ भी खानी चाहिए, मतलब आयुर्वेदिक दवाइयाँ? दवाइयों की जरूरत नहीं है, अपने आप में दवाइयाँ हैं। दवाइयाँ क्या, क्यों हम पतले हो रहे हैं? हमें एक दिमाग में फंसा दिया हमें कि दवाई ठीक करती है। अरे बाबा, जितनी दवाइयाँ देखी, जैसे बीटा ब्लॉकर है, किससे बनती है? जो हम गेम खेलते हैं ना, क्रिकेट खेलते हैं, जो बैट बनता है, ब्लू बिलो ट्री है, उसकी बार्क से बनती है वो, उसकी बार्क को हम वाल कर देते हैं जी। क्या, किसे बनती है? ये कैंसर की दवाई है, जो मैं कल को कह रहा था द वंडरफुल प्लांट, जिसे में जिसका नाम हमने रखा है वो सदाबहार है, जो तो सदा सहागन जिसे हम कहते हैं, सदा फूल वाली जिसे कहते हैं, वो उससे बनती है। अरे बाबा, दवाइयों में ऐसे ही और चीज़ें हैं, जैसे ये कमर कस है, अदरक है, ठीक नहीं, मिठी सरिंजे हैं, जितनी भी चीज़ें हैं इनकी ही मेडिसिन बनती है, हम सीधे रूप में ले रहे हैं। अगर हमारी खुराक से जब कोई हमें कमी आती है, दवाई तो हम तब लेते हैं, अगर हमारी खुराक ही हमें ठीक कर रही है तो दवाई की तरफ हम क्यों जाएंगे? सही बात है। तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, हमें खुराक ही ठीक खाद लेनी चाहिए कि हमें दवाइयों की जरूरत ना पड़े। अगर हम यही चाहेंगे कि दवाई खानी है तो फिर दवाई तो खा ही रहा समाज, फिर हमें इन बातों की जरूरत क्या है। जी डॉक्टर साहब, ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।